फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि गाने में हर तरह के गाने गाए, हर भाषा के गाने गाए, यानी जब से इतनी सबसे मुश्किल लैंग्वेज तमिल, उसके गाने मेरे हिट हुए, मलयालम और जितनी भी ज़बानें, आप पंजाबी लीजिए, गुजराती लीजिए, सब जबान में मैंने गाने गाए, बंगाली सब, और सब जगह पे गाने के बाद हिंदी गाने गाए, मराठी, अब 60-65 साल यही करती आई हूँ, तो नया करना चाहिए कुछ। जैसे आजकल मैं शो करती हूँ, तो मेरे पुराने गाने उसको रॉक शो करती हूँ, तो रॉक शो में हम लोग पहले सब इंग्लिश गाने लेते हैं, रॉक लेते हैं, उसके बाद अपने गाने मिला देते हैं, और यंगस्टर के लिए करते हैं, तो ये कुछ नया होता है। जब अगर हम वही काम करते रहें, तो कभी कभी आदमी लगता है कि वो रोज़ यही चल रहा है, तो शायद मेरी नई करने की जो इच्छा है, आनंद मिलता है मुझे, ये इसके इसमें आया है कि मैंने छोटे स्क्रीन पे, मैंने टीवी में काफ़ी आई हूँ, और स्टेज पे तो बहुत ज़्यादा आ चुकी हूँ, अभी रहा क्या बाकी, बड़ा स्क्रीन, तो मैंने कहा चलो एक बार ये भी करके देखते हैं। पद्मिनी बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, और असल में मेरे लिए मुश्किल है उसके सामने खड़ा होना, क्योंकि मैं तो एक्ट्रेस हूँ नहीं, तो उसके सामने खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन उसने स्टोरी सुनने के बाद उसने फट से बोला कि हाँ मैं करूँगी। माई तो सभी बुलाते हैं, जैसे साई सबको बुलाते हैं, वैसे माई बहुत बुलाते हैं, और हम लोग वैसे हमारी माँ को माई बुलाते थे, सब माई बुलाते थे, और ये मराठी फिल्म नहीं है, हिंदी है, लेकिन माँ को माई बुलाया है। पिक्चर में मेरा नाम माई है, बच्चे माई बुलाते हैं, तो माई नाम है, और प्रिपरेशन मैंने अभी तक वैसे कुछ की नहीं है। म्यूज़िक है फिल्म में, लेकिन मैंने एक गाना जो है वो मैंने अभी रिकॉर्ड भी हो चुका है, जो मैंने फिल्म में मैंने ही गाना है वो गाना। यहाँ शूटिंग होना अच्छा है ना, घर है यहाँ पर, ये अच्छा होता है कि अपने शहर में हम हो तो बहुत अच्छा होता है, और पिक्चर भी वही चाहता है कि यहाँ का माहौल मिले हमें, और ऐसे शर्त वर्त मैंने कुछ नहीं रखे थे। हो सकता है कि हर आदमी पहले नया होता है, बाद में पुराना होता है, तो फिर वो मंजा हुआ होता है, तो हर एक को चांस होना ही चाहिए, और हर एक की इच्छा होगी कि मैं कुछ अच्छे इसमें और आगे जाऊं, तो ये जो आगे जाने की जो इच्छा है, और उनको इतना बड़ा चांस मिल रहा है, तो वो मेरा ख्याल अपना दिल लगाएंगे इसके ऊपर। मेरा ख्याल है ये एक अलग फिल्म है, सिखाना है इसमें, अच्छी सिखाना है, और मैं ये नहीं कहूँ कमर्शियल पिक्चर है, लेकिन अच्छी पिक्चर है।